नमस्कार राधे राधे दोस्तों, ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सपने में महिलाओं को विभिन्न रूपों में देखता है तो इसका क्या मतलब होता है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम सपनों की दुनिया में खो जाते हैं तब हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिस पर हमारा कोई बस नहीं चलता। लेकिन कई बार व्यक्ति कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखने के बाद उसे महसूस होता है कि ये सच है। कई बार इस तरह के सपने व्यक्ति चाहकर भी भूल नहीं पाता है। स्वप्न शास्त्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि व्यक्ति सपनों का व्यक्ति के जीवन से गहरा नाता होता है। सपनों के भविष्य का संकेत भी माना जाता है। कई बार हम अपने सपने में महिलाओं को देखते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में किसी स्त्री को देखना शुभ होता है या अशुभ, दोनों तरह के संकेत देता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सपने में महिलाओं के विभिन्न रूपों को देखने का क्या अर्थ होता है। जिसमें पहला है दोस्तों, सपने में बूढ़ी औरत का देखना। यदि किसी व्यक्ति को सपने में बूढ़ी महिला नजर आती है तो ये शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार बूढ़ी महिलाओं को सपने में देखना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में आपको धन धान्य और मान्य सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। यदि इस तरह का सपना आए तो समझ जाए कि आने वाले समय में आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। अगला है सपने में किसी स्त्री से बात करने का मतलब। यदि आप अपने सपने में खुद को किसी स्त्री से बात करते हुए पाते हैं तो ये भी इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर व्यक्ति किसी महिला को सपने में आभूषण पहने देखता है तो ये शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है या फिर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना होगी। इसलिए सपने में किसी स्त्री को यदि आभूषण पहने देखते हैं तो ये बेहद ही शुभ सपना होता है। अगला जो सपना है वह है सुंदर लड़की या परी को देखना। अगर किसी को सपने में आकर्षक स्त्री या परी दिखाई दे तो इस बात का संकेत है कि आपके सुख और धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यदि परिवार में कोई विवाद चल रहा है तो वह भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। अगला जो सपना है वह है सपने में किसी स्त्री को गले लगाना। यदि कोई पुरुष सपने में किसी लड़की को गले लगाते हुए देखता है तो ये स्वप्न शास्त्र के मुताबिक आने वाले समय में उस पुरुष के जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होगी। यदि अगर कोई स्त्री सपने में किसी पुरुष को गले लगाते हुए खुद को देखती है तो ये सपना शुभ संकेत वाला होता है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि आने वाले समय में स्त्री को शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को गले लगाता है तो यह शुभ स्वप्न माना गया है। लेकिन वहीं अगर कोई स्त्री अपने सपने में कोई पुरुष को गले लगाती है तो यह शुभ स्वप्न नहीं माना गया है। इससे उस स्त्री को शारीरिक कष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अगर कोई व्यक्ति